हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम का यूपीआई पिन चेंज कैसे करते हैं। हाँ गाइस, अगर आप भी अपने पेटीएम का यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं, आज मैं आपको न्यू अपडेट में बताऊंगा 2023 में कि आप अपने पेटीएम का यूपीआई पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर गाइस आप पेटीएम का अपने यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना। चलिए मैं अपना पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैं लॉक डाला हूँ। चलिए मैं लॉक को खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मेरा पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब आपको अपना यूपीआई पिन चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का, आपको अपने प्रोफाइल पर एक बार दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूपीआई पेमेंट सेटिंग, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे आपका बैंक अकाउंट शो करेगा और यहाँ पे उसके नीचे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रिमो अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है चेंज पिन और तीसरा ऑप्शन है चेक बैलेंस। तो आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन चेंज करना है, आपको अपना यूपीआई पिन बदलना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है बीच वाला चेंज पिन, आपको इस पर दबा देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है क्रिएट 4-डिजिट यूपीआई पिन यूजिंग योर डेबिट कार्ड डिटेल। और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका अकाउंट होगा उसका नाम शो करेगा। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा शो कर रहा है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, आपको यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है और यहाँ पे वैलिड डेट डेट डाल देना है। और इतना तीनों चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसेस का एक ऑप्शन है, आपको इस वाले प्रोसेस वाले ऑप्शन पर दबा देना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का डिटेल डाल के मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ मैं अपने एटीएम कार्ड का डिटेल डाल चुका हूँ। चलिए मैं यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 1 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। मेरा ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक से यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो यहाँ पे सही का मार्क है आपको इस पर दबा देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में सेट 4-डिजिट यूपीआई पिन, आपको अपना जो यूपीआई पिन बनाना है नया वो यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं अपना यूपीआई पिन जो बनाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो गाइस उसके बाद जैसे ही डालेंगे आप यहाँ पे इंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे ऊपर शो कर जाएगा कन्फर्म 4-डिजिट यूपीआई पिन, आपको वही पिन यहाँ पे दोबारा डाल देना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन फिर से मैं दोबारा डाल के कन्फर्म कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको जो ये वाला मार्क है आपको इस पर दबा देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लीज वेट, देख से यहाँ पे नीचे शो कर गया योर यूपीआई पिन सक्सेसफुल चेंजेस। अब जो मेरा यूपीआई पिन है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। तो गाइस इस तरह से आप भी अपने पेटीएम का यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपको कोई सुझाव हो तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।